फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेकर आई हूँ इफ्तार वाला व्लॉग कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। फुल रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर कर रहे हैं, आने वाले वीडियो में हम आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करेंगे। इसमें हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हमने हफ्ते अपने इफ्तार में क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पर हमारी ये चटनी हो गई है तैयार, ये हमने नारियल की चटनी बनाई है और इसको हम सर्व करेंगे मेंदू वड़े के साथ, जो साउथ इंडियन डिश होती है, तो उसके साथ हम इसको खाएंगे। और यहाँ पर जो है मैंने चने और आलू एक साथ बॉईल किए हैं और ये बचे हुए चने हम स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस वाला चना बनाया है जिसमें टमाटो सॉस मैंने ऐड किया है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो ये चने की रेसिपी मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने ये वाला केचप इस्तेमाल किया है, ये टमाटो सॉस है, तो इस तरीके से इस चने का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने इफ्तार में दही वड़े, जिसको मैंने सफ़ेद वाली दाल को पीसा था, उसमें मैंने नमक, ज़ीरा, हरी मिर्च और हरे धनियों को ऐड करके इसे तैयार किया। तो यहाँ पर मैंने वड़े बनाए हैं, यहाँ पर मैंने नींबू शरबत, तो हमारे वड़े तैयार हो गए और दही भी हमने तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने वड़े ऐड किया है अपनी प्लेट में, उसके ऊपर मैंने दही ऐड किया है, दही के अंदर मैंने नमक और शक्कर डाल के अच्छे से मिला लिया था, तो शक्कर मैंने थोड़ी सी ऐड की है और बहुत सारे मैंने चाट मसाले, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सारे मसाले डालकर मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पर मेरी रेसिपी भी सारी तैयार हो चुकी है और हमने रोज़े का सारा सामान लगा दिया है। तो ये रोज़ा हमारा था चौथा, तो आज का पांचवा रोज़ा है। तो सारे रोज़े मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे जो शादी वाले व्लॉग बाद में आएंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ सारे जो है वीडियो ये वाले शेयर करें। तो दही वड़े की रेसिपी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो दही वड़ा जो मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो इस तरीके से जैसे भुना हुआ ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, और मैंने इमली की चटनी और मैंने हरी चटनी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो इस तरीके से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा रहा और आपको हम दही वड़े की रेसिपी अलग से ज़रूर देंगे। और ये मेंदू वड़े मैंने बनाए हैं, तो मेंदू वड़े बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही क्रिस्पी। तो ये साउथ इंडियन जो चटनी मैंने बनाई है, तो ये उसी के साथ हम शेयर खाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग रोज़ा खोल रहे हैं, तो हम सब का रोज़ा है, तो चार लोग हैं, चार लोगों का रोज़ा है। तो मेरा एक बेटा यहाँ नहीं है क्योंकि वो बाहर रहता है, तो वहीं रहता है, तो अभी इस टाइम पर यहाँ पर नहीं है। अगले साल वो था, तो मैंने आपको उसको दिखाया था, इस साल वो नहीं है, तो काफ़ी खाली खाली सा लगता है मुझे, और मुझे बहुत याद आती है मेरे बेटे की। तो वो रोज़ हमें फ़ोन भी करता है और रोज़ हमारी खैरियत पूछता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अपने बच्चे जब अपने से दूर होते हैं तो बड़ा ही याद आती है बच्चों की, तो हमेशा अपने बच्चों को ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे अपने ही होते हैं, इस वजह से अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। अब ये लोग जो हैं दो, तो इनका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि बड़ा वाला मेरा बेटा नहीं है, तो उसकी बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है। तो इस वजह से मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपका एक बेटा कहाँ है। तो यही सब मेरे इफ्तार के व्लॉग थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए एक नए वीडियो करें इंतज़ार। अल्लाह हाफिज़।